हाय गाइस, हम संदीप और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन हंगरी। तो गाइस, हंगरी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पे 200-300 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पे प्लेसमेंट जो है 100% हो जाता है और सैलरी भी कंपेयर अगर करते हो आप इंडिया से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है गाइस कि यहाँ पे जो ट्यूशन फी है, अगर दूसरे यूरोपियन कंट्री से अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे ट्यूशन फी बहुत ही कम है। मतलब कि आप किसी भी कोर्स में जा रहे हो वहाँ पे मास्टर या बैचलर के लिए आपका टोटल पढ़ाई 10 लाख से कम में हो जाएगा। लेकिन किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में जो होता है वहाँ पे फीस ज़्यादा होती है, लेकिन मैंने एक एवरेज से बात कर दी कि 10 लाख से कम में हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको लगेगा कि कितना कम ट्यूशन फी है हंगरी में। तो गाइस, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो गाइस, टोटल कॉस्ट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, ट्यूशन, एकोमोडेशन और आता है तीसरे नंबर पे अदर्स। तो ट्यूशन में मैंने रखा आपका ट्यूशन फी और एनसेलरी फी, मतलब आपका बुक्स का जितना खर्चा होता है और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वो सब मैंने रखा ट्यूशन फी में। एकोमोडेशन में मैंने रखा है हाउसिंग एंड फूड और अदर्स में मैंने रखा आपका ट्रांसपोर्टेशन, वाईफाई, क्लोथिंग वगैरह आपको लेना है या फिर इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए जितना खर्चा आपको कर रहे हैं उतना। तो भाई, सबसे पहले आ जाता है ट्यूशन फी। इसमें इंक्लूडेड है आपका टोटल कॉलेज का ट्यूशन फी प्लस आपका बुक्स और कॉलेज में जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है। तो गाइज, हंगरी में ट्यूशन फी कुछ हो जाता है 2,000 से 4,000 यूरो पर सेमेस्टर, डिपेंडिंग अपॉन किस कोर्स में आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो और कौन सा कोर्स पढ़ रहे हो। तो गाइज, अभी बात कर लेते हैं एकोमोडेशन का। तो गाइज, एकोमोडेशन में मैंने दो चीज़ रखा है, हाउसिंग एंड फूड। तो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं हाउसिंग का। तो वहाँ पे आपको दो तरह के हाउसिंग अवेलेबल होते हैं। पहला, आप स्कूल डॉर्मेटरी या फिर हॉस्टल्स में रहो या फिर आप खुद का एक सेपरेट रूम रेंट कर लो। तो सेपरेट रूम रेंट करने का मतलब होता है एक अपार्टमेंट रहेगा, उसमें 3 या 4 बेडरूम रहेंगे और उसमें से आपको एक रूम आपके लिए मिल जाएगा, उसमें आप शेयर्ड किचन रहेगा, बाथरूम दो या तीन रहते हैं एक अपार्टमेंट में। तो गाइस, अगर आप डॉर्मेटरी या फिर हॉस्टल्स में रहना चाहते हो तो उसका पर मंथ चार्जेज हो जाते हैं 200 यूरो और अगर आप खुद का सेपरेट रूम चाहिए तो उसका पर मंथ चार्जेज होता है 400 यूरो। तो गाइस, अगर इसे आप कंपेयर करोगे तो मुंबई से बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है आपको बुडापेस्ट, और ये सबसे हाई लेवल के सिटी की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप हंगरी में किसी लोअर लेवल के सिटी में जाते हो तो वहाँ पे जो रेंट का चार्जेज होगा और कम होगा। तो गाइस, अभी बात कर लेते हैं फूड की। तो गाइस, फूड टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, बाहर ज़्यादा खाते हो, घर में खाते हो, किस टाइप का खाना आपको पसंद है। तो मैंने क्या किया है, एक पूरा डिटेल में लिस्ट तैयार किया है, सब ग्रोसरी का प्राइस कितना होता है और कैसे खरीद सकते हो आप। तो अगर आपको पूरा डिटेल प्राइस चाहिए तो आप मुझे इस इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर दो, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। लेकिन मोटे मोटे में अगर मैं आपको बता दूं कि तो खाने का भी 250 यूरो से 450 यूरो तक हो जाता है, लेकिन अगर आप बहुत बचा के खर्चा करते हो तो 250 से 300 यूरो में आपका महीने का खर्चा हो जाएगा। तो गाइस, अभी आगे बढ़कर बात करते हैं अदर्स सेक्शन में क्या क्या आता है। तो मैंने अदर्स में रखा है ट्रांसपोर्टेशन का फी, वाईफाई और मोबाइल बिल, और आपको इंटरटेनमेंट का कुछ खर्चा है अगर मूवी वगैरह देखने जाते हो या फिर घूमने जाते हो तो उसका खर्चा, और आपको क्लोथिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी उसका खर्चा। तो गाइस, ट्रांसपोर्टेशन सबसे सिंपल है। ट्रांसपोर्टेशन को आपको 6 महीने का पास मिलता है, उसे बोलते हैं सेमेस्टर स्टूडेंट पास, और उसमें आपको 6 महीने का पूरा बस का जो होता है चार्जेज जो होता है 45 यूरो, बहुत ही चीप है। अगर आप इसे कंपेयर करते हो तो अगेन मुंबई से सस्ता हो जाता है। इसमें आप ऐड कर सकते हो कि आपको कितना फन एक्टिविटी के लिए जाना है, जैसे मूवी या फिर घूमने वगैरह के लिए, उसमें आपका खर्चा कितना होता है ये आप खुद से ऐड कर सकते हो। उसके साथ साथ आप कैसे कैसे क्लोथिंग आइटम खरीदते हो उसका खर्चा आप खुद से ऐड कर सकते हो। तो एक उस टोटल मोटे मोटे खर्चे कि आपको कितना खर्चा होगा हंगरी में पढ़ाई करने के लिए, मैंने बेसिस जानबूझ के रखा है बुडापेस्ट को। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर मेंटेन अच्छे से करते हो तो आपको इससे ज़्यादा खर्चा कहीं नहीं होगा, इससे कम खर्चा ही होगा अगर दूसरे शहर में आप जाते हो तो। तो गाइस, अभी बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब सिनेरियो की, क्योंकि गाइस बहुत सारे लोग का प्लान होता है कि वहाँ पे जाएंगे और आपका ट्यूशन फी तो पे कर देंगे लेकिन वहाँ पे जो रहने और उसका खर्चा वगैरह निकालना है रहने का वो पार्ट टाइम जॉब करके निकालेंगे। तो गाइस, अगर आप इसे कंपेयर करोगे यूरोप के और बड़ी कंट्री से जैसे यूके से, तो इसमें पार्ट टाइम जॉब का सिनेरियो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपको इंडिया से अच्छा ही है। तो अगर आप वहाँ पे जाते हो पार्ट टाइम जॉब करते हो तो आपको 3 से 3.5 यूरो मिनिमम आपको पर आवर का खर्चा मिल जाएगा। और लोग बोलते हैं कि जनरली आप 20 घंटे काम करते हो पर हफ्ते का, लेकिन मैं कई लोगों से बात करके देखा तो आपको पता चलेगा कि आप महीने में 150 घंटे तक काम कर लोगे। तो अगर आप ऐसा सीनरी होता है कि आप 150 घंटे पार्ट टाइम जॉब करते हो वहाँ पे,
तो आप 450 यूरो आराम से कमा लोगे। तो अगर आप एक डॉर्मेट्री में रहते हो तो आप पार्ट टाइम जॉब करके आप रहने का और खाने का खर्चा आराम से निकाल लोगे, क्योंकि डॉर्मेट्री में यूजुअली आपको वाईफाई फ्री मिलता है और जो बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं वो सब फ्री मिलता है। तो गाइस अभी फाइनली बात कर लेते हैं टोटल खर्चा, मैं यहाँ पे बेसिस रख रहा हूँ गाइस, एक सेमेस्टर का, हम एक सेमेस्टर का फीस कैलकुलेट करेंगे, एक सेमेस्टर मतलब 6 महीने, आप उससे हिसाब से सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। तो गाइस 6 महीने का जो आपका ट्यूशन फी होगा, मान के चलो कि 2500 रुपये आपका ट्यूशन फी है और 200-300 रुपये आपका, सॉरी 2500 यूरो आपका ट्यूशन फी है और 200-300 यूरो आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, जैसे बुक्स और वगैरह दूसरे आसपास के खर्चे में। और उसके बाद गाइस आपका एक डॉर्म में रहते हो तो आपको 200 यूरो आपका उधर रहने का खर्चा हो जाता है, उसमें आपका वाईफाई इंक्लूडेड रहेगा। आप फूड की बात कर लेते हो तो 300 यूरो, तो टोटल अगर आप हम ऐड करते हैं तो कुछ 3200 यूरो होता है। और अगर हम गूगल करके 3200 यूरो को कन्वर्ट करते हैं INR में, तो गाइस अगर आप 3200 यूरो को INR में कैलकुलेट करते हो तो उसका टोटल हो जाता है कुछ 270,000 के आसपास, उससे कम ही होता है, 270,000 के आसपास गाइस। लेकिन मैंने ट्यूशन फी रखा था 2500 यूरो, आपका ट्यूशन फी कम हो सकता है ज़्यादा हो सकता है, तो उसके लिए कैसे कैलकुलेट करना है, आपको अपने किसी एक स्पेसिफिक कॉलेज का, किसी एक स्पेसिफिक कोर्स का ट्यूशन फी पता करना है। तो कैसे करना है मैं अभी आपको मेरे कंप्यूटर में ले चलता हूँ और दिखाता हूँ। तो गाइस मैं दिखाने के लिए बुदापेस्ट मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का वेबसाइट खोला हूँ, तो आप भी आप अपने सेलेक्टेड कॉलेज का वेबसाइट खोल सकते हो और फिर आपको टॉप मेन्यू में नेविगेट करना है, तो उसमें आपको ट्यूशन फी ऑप्शन मिलेगा। जैसे इसमें मैं एडमिशन सेक्शन में जाता हूँ तो नीचे मुझे ट्यूशन फीस का ऑप्शन मिलता है। तो गाइस इसको ओपन करने के बाद इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे यूरोप में तो यूरोपियन स्टूडेंट और नॉन यूरोपियन स्टूडेंट का फी अलग अलग होता है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप नॉन यूरोपियन स्टूडेंट का फी देख रहे हो, क्योंकि अगर आप यूरोपियन स्टूडेंट का फी देखोगे तो आपको गलत आइडिया आएगा, क्योंकि उनका फी कम होता है। तो अगर आप बैचलर प्रोग्राम्स के लिए देखना चाहते हो तो इधर इसको ड्रॉपडाउन मेनू को ओपन करना है, और इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड मार्केटिंग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, टूरिज्म, ये सारे कोर्सेज का फी अगर आप देख रहे हो तो यूरोपियन के लिए 1750 यूरो पर सेमेस्टर, बट नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए 2375 यूरो पर सेमेस्टर है। और मैंने बेसिस लिया था 2500 यूरो का, इसका मतलब आपका फी इधर कम हो जाता है। और अगर आप मास्टर्स के लिए आते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप मास्टर इन MBA कर रहे हो यहाँ पे तो आपको यूरोपियन स्टूडेंट का फी हो जाता है कुछ 2500 और आपका 2900 यूरो पर सेमेस्टर हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपका फी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो मैंने जो अभी आपको एवरेज दिखाया था वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है गाइस। अगेन अगर आप कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया में मास्टर कर रहे हो या फिर टूरिज्म इंडस्ट्रीज मास्टर कर रहे हो और फिर मार्केटिंग में MSc कर रहे हो तो यहाँ पे आपका फी एग्जैक्टली 2500 यूरो हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट जो मैंने फी दिखाया है उतना ही खर्चा होता है आपका। तो गाइस ऐसे करके हर एक यूनिवर्सिटी या फिर हर एक यूनिवर्सिटी और हर एक कोर्सेज का फी थोड़ा बहुत वैरी करता है, तो उसके हिसाब से आप अपना प्लान बना सकते हो और इस तरीके से अपना अपने सेलेक्टेड कॉलेज के सेलेक्टेड कोर्स का स्पेसिफिक फी देख सकते हो। आपको मेक श्योर आप नॉन यूरोपियन स्टूडेंट का फी देखते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई होप आपको कुछ अच्छे खासे इन्फॉर्मेशन मिले रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो, क्योंकि मैं एक स्टडी इन हंगरी का एक कंप्लीट सीरीज बनाऊंगा जिसमें आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हंगरी में पढ़ने से रिलेटेड।